आज राज्य कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक थी जिला मंत्रियों के साथ पूरे बिहार की, और हम लोगों ने, आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने पार्टी के तरफ से एक 25 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने का पटना में आह्वान किया। उसी रैली की तैयारी की समीक्षा थी और पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ, ये तमाम लोग, आप मीडिया के लोग जानते ही हैं कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर एवं अन्य 13 बालिका आश्रय गृह में जो घटना घटी, वो बिहार को सिर्फ राज्य के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर शर्मसार किया, और साथ ही साथ बिहार के अंदर भी तो एक घोटाले ने हुए, सृजन घोटाला, धान खरीद में घोटाला, शौचालय घोटाला, कई घोटाले, इसलिए घोटाले के नाम से भी सरकार जानी जाती है। और इसी के खिलाफ हम लोगों ने, वामपंथी दलों ने, वाम मोर्चा ने पिछले 2 अगस्त को बिहार बंद किया, 14 अगस्त को कैंडल मार्च किया, 28 अगस्त को ह्यूमन चेन बनाया, और अभी 10 सितंबर को जो महंगाई के खिलाफ, ये तो तमाम लेफ्ट ही नहीं बल्कि उसमें कांग्रेस, राजद, सपा, तमाम दल भारत बंद कराए, एक बड़ा मुद्दा। अभी ये जो भाजपा है इसका तो जो आधार है हिंदुत्व, गृह अमित शाह ने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, यही मुद्दा इनका, गाय का तो गोबर का क्या क्या मुद्दा उठाता रहता है। आसाम में असमिया बगड़िया का सवाल उठा दिया, सीएनजी चरण जांच कर रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से जांच करो, 40 लाख को वोटर से छान दिया, वही सुप्रीम मुद्दा उठा देता है। और देश में इस तरह का बवंडर पैदा करके ये चाहता है हिंदू मुसलमान का। अभी जिसकी चर्चा इन्होंने किया, आप लोग भी जानते हैं मीडिया के लोग हैं, 5 जो वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवी थे उनको जो ये अरेस्ट किया, इसी आधार पर ने, चूंकि वो मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, और इस सिलसिले में छोटी बड़ी सभाओं का तांता लगा। अब हमने तय कर लिया, अभी 9 अक्टूबर को मोतिहारी में कन्हैया का एक बड़ी सभा हो, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को मधेपुरा में, ग्वालपाड़ा में आदिवासी दलितों का एक बड़ा कन्वेंशन हो रहा है जिसमें बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें कन्हैया भी जाएगा, जिग्नेश भी जाएगा, ग्वालपाड़ा मधेपुरा में, और कन्हैया 2 से लगातार 25 तक रहेगा पूरे बिहार में, इस 25 अक्टूबर की रैली की तैयारी में छोटी बड़ी सभा कर। हम लोग अभी छोटी बड़ी जीबी मीटिंग भी करें, क्षेत्रीय जीबी, अंचल जीबी, जिला जीबी बैठकों का तांता लगा, और हम रैली जो करेंगे उसमें हम लोग ये भी मोटा मोटी एक समझ बनाए हैं, जो भी वामपंथी पार्टी के बड़े नेता या लेफ्ट के अलावे जो सेकुलर पार्टीज के नेता है या डेमोक्रेटिक पार्टी, ये हम लोग विचार कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, शरद यादव हो, इधर येचुरी सीताराम येचुरी हो, दीपक, सबको हम लोग इन्वाइट कर 25 अक्टूबर, ये हम लोग ये सोच बना रहे हैं, जिससे कि हमारा रैली, चूंकि हमारा है कि 2 लाख करेंगे, ये हमने जो योजना बनाई है इसकी तैयारी चल रही है।